जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि हमेशा कमेंट करके बोलते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, गृह संबंधी, पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी, किसी भी प्रकार की समस्या से वे लोग घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि इसको आपको नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वे हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं, परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय जरूर करना चाहिए और नमक का ये उपाय बहुत ही जल्दी तुरंत के तुरंत चुटकियों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता, आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जन साधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखिए दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और समुद्र शास्त्र में अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपको ये प्रयोग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लें। ये आपको लेना किस प्रकार से है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में नमक को ले लें और ये प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों इस बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो इस उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ की अंजनी बनाए और उसमें नमक को भर लें और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनमें भी आपकी पूरी और सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें ही आप अपने मन में धारण करिए और उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप उसी प्रकार की अपनी उसी समस्या के बारे में सोचिए। और यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपके जो भी परेशानी है, जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि वह आपकी सारी समस्या उस नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाए। एक और बात का यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहें और उस नमक की तरफ देखते रहें। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं, तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर लें। यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर लें। दोस्तों आप चाहें तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं, उस चौपाई को आप अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। चौपाई कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों ये एक ऐसी चौपाई है कि यदि आपने इस चौपाई का पाठ कर लिया, तो हनुमान जी को आपकी बात सुननी ही सुननी पड़ेगी। जैसे ही आप इस चौपाई का पाठ करेंगे, हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंचा देंगे।
यदि संभव हो तो आप इस चौपाई का 11 बार या 5 बार पाठ कर लें, अपने मन ही मन में इस चौपाई को जप लें और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको ये चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं उस नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा सभी कुछ जब उस नमक में समा जाए, आपको यह सब कुछ अपनी इष्ट देवता को मन में अपने धारण करते हुए सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपको इन सभी परेशानियों से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप उस नमक को अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें और ना ही आप इसको अपने घर में कहीं फेंकें। या तो आप इसको कहीं घर से बाहर फेंकें या फिर कहीं ले जाकर मिट्टी में दबा दें। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत की तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। ऐसा करते के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थी वो कम होने लगी हैं और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे ये उपाय करते जा रहे हैं आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने यह उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार में किया है या फिर शुक्रवार में किया है, यानी कि कुल आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है, यानी कि आपको लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों में नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार में इस प्रयोग को आरंभ किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार करना है, और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या, यदि वो कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चन अड़ा देता है, कुछ भी कर लें लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, ऐसे लोगों को क्या करना है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 कील आपको ले लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक। नमक आपको इतना लेना है कि जो आपने वो 8 कीलें ली हैं वो 8 की 8 कीलें नमक में छुप जाएं। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर 8 कीले रखें, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना लें, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके जो कष्ट हैं वह तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता दूं दोस्तों। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं और ऐसे में वे अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ रिन्यूवेशन भी नहीं करा सकते, तो उन लोगों को क्या करना होगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहां पर भी कलेश होता है, आपसी अनबन बनी रहती है, घर में आपस में भेदभाव बने रहते हैं, ऐसे में जहां पर वास्तु की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर वास्तु की समस्या है, वहां पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहां पर आप नमक की एक पोटली बनाकर रख दें और फिर उसके बाद आप उसको 7-7 दिन के बाद बदलते रहें। यानी कि यदि आप एक बार पोटली रख रहे हैं फिर उसको आप 7 दिन के बाद चेंज कर दें, ऐसा आपको 21 बार करना है। टोटल आपको 21 पोटलियां बदलनी है, इस तरह से उस दिशा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, हम यहां पर जो भी आपको उपाय बताते हैं वो पूरी तरह से सटीक होते हैं। बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम ये उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम ये सारे उपाय आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इनमें से कोई उपाय अच्छा लग रहा है और आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप जरूर इन उपायों को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ
और पूरा उपाय कीजिए, यानी कि उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए, उपाय को बीच में मत छोड़िए, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। और दोस्तों, यदि आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ किसी उपाय को करते हैं तो उसका जो है ना 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपायों का सिर्फ एक ही नियम है कि उन सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। दोस्तों, यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जन साधारण तक पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है, ताकि हम सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ा सकें। और जो हमारे ये प्राचीन उपाय इस आधुनिक युग में कहीं छुप गए हैं, उनका सही प्रकार से प्रसार प्रचार किया जा सके। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे होगा ये कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अन्य कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।